हिमाचल प्रदेश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के मकसद से वर्तमान जयराम सरकार लगातार प्रयासरत है, जिसके चलते एक ओर जहां स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, तो दूसरी ओर प्रदेश अस्पतालों में नव निर्मित भवनों का निर्माण कर मरीजों के उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसी के मद्देनजर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार बिलासपुर जिले के घुमारवीं हल्के के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय जनता व विभाग अधिकारियों ने स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के मकसद से वर्तमान जयराम सरकार लगातार प्रयासरत है, जिसके चलते एक ओर जहां स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, तो दूसरी ओर प्रदेश अस्पतालों में नव निर्मित भवनों का निर्माण कर मरीजों के उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसी के मद्देनजर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार बिलासपुर जिले के घुमारवीं हल्के के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय जनता व विभाग अधिकारियों ने स्वागत किया। अपने दौरे के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बराड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ओपीडी भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दोदोल के नव निर्मित भवन और स्वास्थ्य उप केंद्र मुंडखर के नव निर्मित भवन का उद्घाटन कर जनता को सौगात देने का काम किया, तो साथ ही घुमारवीं नागरिक अस्पताल को 50 बेड से 100 बेड तक मरीजों के लिए बेड की कमी की समस्या को दूर करने का भी काम किया है। वहीं जनता को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना से छूट गए लोगों को प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना हिम केयर से जोड़ने की बात कहते हुए अभी तक 48,000 लोगों को इस योजना जोड़ने और इस पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की बात की है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाने के लिए देश के श्रेष्ठतम राज्यों में आंके जाने का भी दावा किया है। स्वास्थ्य विभाग की अगर मैं बात करूं, तो हिमाचल प्रदेश में अगर हम बहुत से पैरामीटर्स में पूरे हिंदुस्तान की तुलना में अच्छे स्थान पर है, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अच्छे स्थान पर होना, इसका आंकलन जो हेल्थ सर्विसेज हम चाहे वो गांव हैं चाहे वो शहर हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है, उसके लिए श्रेष्ठतम राज्यों में हिमाचल प्रदेश को आंका जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के पूरे राज्य को हम हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देने के लिए सक्षम है, और मैं आंकड़ा इकट्ठा कर रहा था, मुझे जानकारी ये मिली है कि जो हिम केयर योजना है उसमें लगभग 48,000 लोगों का उपचार 45 करोड़ रुपए से हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। यानी जिन लोगों को अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए कहीं जाना पड़ता था, किसी के हाथ किसी के दरवाजे के आगे हाथ फैलाना पड़ते थे, वो सुरक्षा स्वास्थ्य विभाग ने हिमाचल प्रदेश में प्रदान की है, इसलिए अवार्ड मिले।